सो है गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द विनिंग द वीडियो गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, वीडियो बहुत ही ऑसम बनने वाला। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को देना लाइक, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए अपन वीडियो की तरफ। सो गाइस, मैंने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। आपको भी कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। एंड इसके बाद आपको चले जाना है ड्रो टूल्स के अंदर, और ड्रो टूल्स के अंदर चले जाने के बाद गाइस आपको जाना पड़ेगा ऐड फोटो के टूल्स में, और यहाँ से आपको अपने मॉडल की पिक्चर को ऐड कर देना। ठीक है, तो मैं अपने मॉडल की पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अभी। सो गाइस, मैंने इस पिक्चर को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से अरेंज कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड अरेंज नहीं करना तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं इसको यहाँ पर मैं फिट कर लेता हूँ। सो अभी मैं इसको यहाँ पर डन कर दिया गाइस। सो गाइस, इसके बाद आपको चले जाना है सिट, इसको आप यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, सो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से ऐड फोटो में, और यहाँ से अपने मॉडल की पिक्चर को फिर से ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने इसको एक बार फिर से पिक्चर को ऐड कर लिया है। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एंड इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर देना, आपको उल्टा कर देना पिक्चर को। देन यहाँ से आपको करना क्या है, अपन पिक्चर को जूम कर लेना है और इसको बराबर सूज यहाँ पर फिट कर देना है। ठीक है, सो गाइस कुछ इस तरीके से करने के बाद आपको चले जाना है, यहाँ से आपको जाना नीचे एडजस्ट के टूल्स में चले जाना है, और ब्राइटनेस को यहाँ से जीरो कर देना है। ठीक है, और इसको अभी मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ, और जाता हूँ ओपेसिटी के अंदर, और ओपेसिटी को यहाँ से माइनस की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस 30 कर देता हूँ गाइस। सो अभी मैं इसको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ गाइस। सो इसके बाद फिर जाता हूँ ऐड फोटो में, और यहाँ से फ्लैग पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस, मैंने इस फ्लैग पीएनजी को ऐड कर लिया है। सो इसमें जो भी बैकग्राउंड पीएनजी ऐड कर रहा हूँ, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप और जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं इसको यहाँ पर इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से नीचे जाना, आपको यहाँ पर रोटेट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ अपने दोनों उंगली से। अभी मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस, इस तरीके से ऐड करने के बाद आपको ओपेसिटी को कम कर देना यहाँ से, और यहाँ से रबर का आइकन कल कर देना। देन यहाँ से पिक्चर को जूम कर लेना, और इसकी हार्डनेस को फुल कर देना, और साइज़ अपने हिसाब से रख देना। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ। सो अभी मैं ओपेसिटी को फोल्ड कर देता हूँ, और देख सकते हैं एकदम परफेक्टली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अभी मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डन। सो गाइस, डन करने के बाद आपको चला जाना फिर से ऐड फोटो में, और पीएनजी को ऐड कर देना है। सो गाइस, मैंने इस पीएनजी को ऐड कर लिया है आज़ाद भारत, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, अब मैं चले जाता हूँ इस टूल्स के आइकन पर, और यहाँ से एडजस्ट के अंदर चले आना है, और यहाँ से अब ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाल देना। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से सैचुरेशन को चले आना, और सैचुरेशन को थोड़ा सा डाल देता हूँ, एंड हाईलाइट को थोड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है, और शेडो के अंदर आना गाइस, शेडो को मैं यहाँ से थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ, और टेम्पर को यहाँ से थोड़ा प्लस की तरफ कर देता हूँ, और क्लैरिटी को थोड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ से थोड़ा सा मैं हल्का सा डाल देता हूँ, और इसके बाद मैं चला जाऊँगा इस रबर के टूल्स के अंदर जाना है,
और यहाँ से आपको क्लियर ऑल कर देना। फिर आपको अपन पिक्चर को जूम कर लेना है और हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर देना और साइज अपने हिसाब से रख देनी। और यहाँ से आपको इस तरीके से इरेज कर देना, ठीक है, अपने फेस पर चमक आएगी, बहुत बढ़िया चमक आएगी। सो इसको अभी मैं से यहाँ डन पर कल के देता हूँ और यहाँ से चले जाता हूँ सैचुरेशन के आइकन पर और सैचुरेशन में थोड़ा सा वो डाल देता हूँ एंड नीचे शेडो के अंदर चले आना गाइस और शेडो को यहाँ से देख लेना, ठीक है, शेडो को थोड़ा प्लस की तरफ कर देता हूँ और इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में डन पर कल के देता हूँ। सो ये हमारा काम फाइनल हो चुका है और हम चलते हैं ड्रॉ टूल्स के अंदर और इस पिक्चर को कर देते हैं सेव। इसके बाद हम चले जाते हैं लाइट रूम के अंदर, वहाँ पर कुछ कलर एडिटिंग डालते हैं। सो गाइस लाइट में पिक्चर को मैंने ओपन कर दिया है। इसके बाद आपको चले जाना सबसे पहले लाइट के आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डाल देना हल्का सा और हाईलाइट को थोड़ा सा डाल देना, ठीक है, और शेडो को यहाँ से माइनस की तरफ कर देना और वाइट को यहाँ से डाल देना, ठीक है, इस तरीके से। एंड ब्लैक को यहाँ से थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है इस बार टूल्स के अंदर, कलर टूल के अंदर आने के बाद आपको चले जाना मिक्स टूल के अंदर और यहाँ से एच यू के दिखा दो गाइस, इसको यहाँ से मैं थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ, सॉरी गाइस प्लस की तरफ, एंड सैचुरेशन यहाँ से मैं थोड़ा प्लस की तरफ, ठीक है, और ल्यूमिनस के अंदर चले आना और ल्यूमिनस को थोड़ा सा डाल देता हूँ। इसके बाद चले जाना आपको इस बार टूल्स के अंदर ऑरेंज टूल के अंदर आने के बाद गाइस इसको आपको करना गया है थोड़ा सा डाल देना है और यू की यहाँ से थोड़ा सा प्लस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको चले जाना इस बार ग्रीन टूल्स के अंदर और इसको डाल देना थोड़ा सा और सैचुरेशन के अंदर थोड़ा सा डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको चले जाना इस बार टूल्स के अंदर आना और इसको यहाँ से मैं प्लस की तरफ कर देता हूँ, यहाँ सेचुरेशन में भी प्लस की तरफ। सो अब मैं ब्लू टूल के अंदर आ गया, इसको मैंने फुल कर दिया, ठीक है, और इसके बाद आपको चले जाना इस यू के टूल्स के अंदर और इसको मैं थोड़ा यहाँ से माइनस की तरफ कर देता हूँ और ल्यूमिनस को यहाँ से मैं थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ, इसको अभी कर देता हूँ मैं डन। सो यहाँ से व्यूविनस के अंदर आना और विविन्स को थोड़ा सा डाल देता हूँ एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ से मैं डाल देता हूँ। सो अभी मैं इसको डन कर देता हूँ और आता हूँ इस इफेक्ट टूल्स के अंदर और क्लैरिटी को यहाँ से डाल देता हूँ 50 कर देता हूँ और डेज को यहाँ से थोड़ा सा डाल देता हूँ, ठीक है, और टेक्सचर को थोड़ा सा ऐसे डाल देना है। इसके बाद गए आपको चले जाना विग्नेट के टूल्स में और विग्नेट को यहाँ से माइनस की तरफ कर देना। सो अभी मैं जाता हूँ इस बार टूल्स के अंदर और शार्पिंग थोड़ा सा डाल देना और क्लैरिटी को डिटेल्स को फुल कर देता हूँ एंड नॉइस रेडिएशन को यहाँ से फुल कर देता हूँ। ओके गाइस, और डिटेल्स को फुल और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डाल दिया 20 और कलर नॉइस रेडिएशन को यहाँ से मैं 50 कर देता हूँ, डिटेल्स को फुल और स्मूथ को यहाँ से 80 के आसपास, ठीक है ना गाइस। सो अभी मैं इसको यहाँ से डन पर काट के देता हूँ। अब मैं चले जाता हूँ इस सेलेक्ट टूल के टूल्स में और पिक्चर को जूम कर देना इस तरीके से, प्लस का आइकन काट के और ये राउंड ऐड कर देना इस तरीके से अपने फेस पर, यहाँ पर राउंड को थोड़ा छोटा करके मार देना। सो इसके बाद आपको चले जाना इस कलर टूल्स के अंदर और सैचुरेशन को यहाँ से माइनस की तरफ कर देना और इफेक्ट टूल्स के अंदर क्लैरिटी को यहाँ से मैं क्लैरिटी को यहाँ से माइनस की तरफ एंड डेज को यहाँ पर से थोड़ा सा माइनस की तरफ, ठीक है, और टेक्सचर के अंदर आने के बाद इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा सेटिंग ले देता हूँ, ठीक है, कौन सी बेटर लग रही। सो अभी मैं इसको माइनस की तरफ कर लेता हूँ। इसके बाद जाता हूँ इससे सन के आइकन में कल के देता हूँ और यहाँ से शेडो के अंदर आना गाइस और शेडो को थोड़ा सा डाल देना हल्का सा और वाइट को थोड़ा सा माइनस की तरफ एंड ब्लैक्स को यहाँ से थोड़ा सा प्लस की तरफ, ठीक है ना गाइस, और शेडो को यहाँ से थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये रही बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही बढ़िया पिक्चर लग रही है। सो अभी मैं इसको यहाँ से डन कर कल के देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ।